पागल ही जान के लगा है खुदावनी यीशु मसीह के अजीम नाम में आपकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुंचे और आप देख रहे हैं मसीह आवाज़ टीवी। और 19 अगस्त को हम जो वक्त लेके गए हैं, इस वक्त हम प्रेस्बिटेरियन चर्च ईसा नगरी जो चर्च है जहाँ पे पादरी रिजवान साहब हैं, हम उसके चर्च में विजिट के लिए गए हैं, उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। और इसी के सामने जो है वो एक कब्रिस्तान भी है। और इन शर्तपसंदों ने जब चर्चिस को जलाया है, बाइबल मुकद्दस की बेहरमती की है, चर्चिस को तोड़ा गया है, और फिर वो कब्रिस्तान भी चले गए हैं और कब्रिस्तान में कब्रों की बेहरमती भी की है और वहाँ पर मुकद्दस सलीब जो है उसकी भी बेहरमती की है। मकबा फिक्र के लोग उनका शुक्रिया अदा करें। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ मेरा ताल्लुक, मेरा नाम पादरी अमजद नियामत है, नेशनल काउंसिल पीस एंड हारमनी कमीशन पाकिस्तान जिसके सरबराह मौलाना शकीलुर रहमान साहब और जनरल सेक्रेटरी जावेद विलियम साहब, और प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान इंटरफेथ और इकोमेनिकल का चेयरमैन होने की हैसियत से। सबसे पहले तो गोदरा वाले के मसीहियों को, जड़ा वाले के मसीहियों के इस दुख के मौके पर हम हाथ जोड़ के माजरत चाहते हैं। मैं इस कमीशन के बिहाफ पर जो इंटरफेथ है हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं और शर्मिंदा भी है, अफसोस भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये प्रोसिक्यूशन जो है ये इब्तदाई सदी से मसीहत के साथ साथ चलती है। ये मसीहों पर जुल्म करने वाले मर जाते हैं, फना हो जाते हैं, नेस्तो नबूद हो जाते हैं, सफाई हस्ती से मिट जाते हैं। मसीहत ख़त्म नहीं होगी। पहली सदी में भी मसीहों को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के फजल से मसीहत दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है, रहेगा। इसको मिटाने वाले जो हैं वो नेस्तो नबूद हो जाएंगे। मैं तमाम दोस्तों की इस बात पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे जज्बात आपके साथ हैं, हम हर किस्म के ताबून के लिए आपके साथ आए, अल्फाज से नहीं। और ये कमीशन जो है ये रवायती कमीशन नहीं है। हम सरगोधा भी गए थे, वहाँ पर भी लोगों के ज़ख्मों पर हमने मरहम लगाया है और हालात कंट्रोल में हुए हैं। अगर इस वाक़े की या हालात की हमें इस आने से पहले पता होता तो हम पहले आते, और चाहे हमें मिन्नतें करनी पड़ती। हमारे यहाँ पर बहुत सारे मौजज़ीन हैं जो अमन के दाई हैं, और मेरा ईमान है कि अगर हमें पहले पता हो जाता, हम पहले आ जाते तो ये वाक़या ना होता। अब भी हम दरख्वास्त करते हैं जो अमन के दाई हैं हमारे मुस्लिम दोस्त, वो अपने इन मसीही बहन भाइयों की मदद करें। अब कल संडे है, कैसे हम दुआ करेंगे, कहाँ पर इबादत करेंगे? दोस्तों, मुसलमान दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ, हमने बचपन से ये मिसालें सुनी हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने मस्जिद नबवी में मसीहियों को नमाज पढ़ने का मौका दिया है कोई जड़ावाला का। अब मुसलमान जो मस्जिद में, जब तक ये चर्च नहीं बनते, मसाजिद खोलें। अमेरिका में ईद की नमाज मसाजिद में होती है, कनाडा में ईद की नमाजें जो है वो चर्चेज में होती हैं, अमेरिका में ईद की नमाजें मसाजिद में होती हैं। करें आप बड़े दिल, लेकिन ये ख्याली बातें वो हमारे जख्मों को दुरुस्त नहीं कर सकती। हम थोड़े लोग चाहते हैं मुसलमान, लेकिन प्रैक्टिकल चाहते हैं, और ये प्रैक्टिकल लोग हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे ऐसे प्रैक्टिकल लोग बने।
और अगर जब हम ऐसे प्रैक्टिकल लोग बनेंगे जो लाहौर से चल के आए हैं गर्मी की शिद्दत में, तो यकीन करें जड़ा वाले में ऐसा दोबारा वाकया नहीं होगा। जिस इस्लाम को मैंने सुना है, पढ़ा है, जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया, अल्लाह ताला तौफीक दे हमारे जड़ा वाले के और पाकिस्तान के तमाम लोगों को उस इस्लाम पर अमल करें जो अमन का मजहब है। ठीक है, जो जो अमन की बात है, लिहाजा हम उम्मीद करते हैं इंसाफ भी मिलेगा। पूरे पाकिस्तान की तमाम मसाजिद सर हमने सुना, हर मजहब के लिए इंशाल्लाह हमने खुली हैं जी, हमने सुना। जड़ा वाला में जितनी उसी ही बरादरी कल जिस मस्जिद में जाना चाहे आप हमें बताएं, माशाल्लाह हर मजहब का हक है, माशाल्लाह हर मजहब के लिए इबादत का है हमारी। मौलाना साहब आप अपना इसमें ग्रामी और अपना फोन नंबर बता दें, अगर कोई हमारा मुतालबा जनाब हमारी टीम के लोगों ने पूरा किया। हम अब्दुल वहीद मेरा नाम है और मेरा मोबाइल नंबर भी अहमद साहब के पास मौजूद है। आप बोल लाहौर से, हमारे लोग यहाँ मौजूद यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा सर, नंबर जरा बोल दें, कोऑर्डिनेटर है जो यहाँ पे लाहौर, आप मुझसे रब्ता करें, मैं इनसे रब्ता करके जिस तरह आप चाहेंगे हम मैनेज कर लेंगे। शुक्रिया। मैं जाती तौर पर गवर्नमेंट जो करेगी करेगी, मैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन इस चर्च की रेनोवेशन के लिए 25,000 रुपए अपनी गिरा से देने का ऐलान करता हूँ। एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, प्लीज पादरी साहब से गुजारिश है, वो को बात करें जी। पादरी साहब मेरे नाम जी, ये इस चर्च के पादरी साहब हैं और मैं इसी चर्च में पादरी हूँ, ये सारा कुछ अपनी आंखों से थोड़ा दूर होकर देखा, लेकिन देखा है आपने हाईलाइटेड हाईलाइटेड वीडियो रही है यहाँ पे जिस चर्च की, जो वाइट क्रॉस किया है रोड साइड में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, और ये बहुत बड़ा नुकसान सिर्फ पेंटों का या चीज़ों का नहीं है, इमोशंस का है। सारी चीज़ें ठीक है, रीबिल्ड हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा, वो आप इमोशंस रीबिल्ड नहीं कर सकते, उनको रीमेक नहीं कर सकते। और सबसे बढ़ के मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि आप पादरी साहब के साथ आए, जो है यहाँ पर आया हमारे साथ हमारे दुख में, खास तो मैं खास लफ्ज़ की बार बार यूज़ करूँगा क्योंकि यही लफ्ज़ मेरे लिए जरूरी है, हमारे दुख में आप इतना ही शरीक हुए, मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। गुजारा एक काम करें, आप सारे बड़े लोग हैं अपने काम के यकीन आई हैं और हर कम्युनिटी में चंद अनासर ऐसे